हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको वाटर कलर हेयर ट्यूटोरियल दूंगी। सो जो जो मैं कलर ले रही हूँ वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड जो मेरी फर्स्ट लेयर होगी वो येलो के साथ होगी, बट यहाँ पे येलो मेरा पर्शियन ब्लू के साथ मिक्स हो गया, इसलिए थोड़ा कलर ग्रीनिश सा आ रहा है। बट यहाँ पर वैसे भी हमें प्योर कलर की ज़रूरत नहीं है हेयर्स के लिए। एंड हाईलाइट्स के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। एंड देन उसके बाद मैंने पर्शियन ब्लू, बर्न अम्बर एंड क्रिम्सन को मिक्स करके जो कलर बनाया है उससे मैं डार्क शेड्स कर दूंगी जहाँ जहाँ पे डार्क एरियाज है। सो फर्स्ट लेयर हमने एकदम फ्रीली करना है। एंड देन उसके बाद हमने स्ट्रोक्स मारने हैं, बट स्ट्रोक्स हमने ऊपर की साइड मारने उस जगह पे जहाँ पे हमारा हेड जो है बालों के साथ अटैच होता है, क्योंकि वहाँ पे पता लगना चाहिए कि हमारे बाल अलग नहीं है, सर के साथ जॉइन है। तो इसलिए हमने स्ट्रोक्स सर की साइड मारने हैं। एंड बाकी जगहों पे आप ऊपर नीचे की तरफ स्ट्रोक्स मार सकते हैं। सो जैसे मैं स्ट्रोक्स मार रही हूँ आप भी वैसे ही स्ट्रोक्स मारें। एंड जहाँ पर डार्क एरियाज़ है वहाँ के लिए आप पर्शियन ब्लू को मिक्स करके देन स्ट्रोक्स मारिए। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्ट्रोक्स हमेशा हेयर्स की डायरेक्शन में मारना है, ताकि हेयर्स का फ्लो एंड फील जो है वो बना रहे। तो जैसे मैं स्ट्रोक्स मारूँ आप वैसे ही स्ट्रोक्स मारिए। एंड आप इसके लिए 6 पॉइंट का या 4 पॉइंट का ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 0 या 1 पॉइंट के ब्रश से मत करिएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं भी पहले ऐसे करती थी कि 0 पॉइंट के ब्रश से स्टार्ट कर देती थी हेयर्स, बट उससे क्या होता है टाइम भी ज़्यादा लगता है एंड पेंटिंग में हेयर्स में एक हार्डनेस सी आ जाती है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अब मैं 6 पॉइंट के ब्रश से करती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं लास्ट में फिनिशिंग टचेस देने के लिए 0 पॉइंट के ब्रश का यूज़ करती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ बहुत ही कम कर रखा है। सो स्टार्टिंग में ब्लैक कलर का यूज़ कभी मत करिए, नहीं तो फिर उसमें डलनेस आ जाएगी वाटर कलर में तो स्पेशली। सो इसीलिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ स्टार्टिंग में कम करती हूँ, बाद में मैं करती हूँ जैसे डार्क एरिया के लिए, बट वो भी मिक्स करके करती हूँ। सो मैंने बहुत कम यूज़ करा है इसमें ब्लैक कलर भी। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कलर को सारे मिक्स करके ही कर रही हूँ। जो कलर मैंने पहले मिक्स करे थे वही कलर मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, बस उसके डार्क टोन्स बनाने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे एक नंबर के ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने पिगमेंट एंड वाटर की क्वांटिटी सही रखनी है, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए एंड ना ही ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जिससे कि हमारे जो पहले की लेयर्स है वो ख़राब ना हो जाए। सो गाइज़ हेयर्स को और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैं बिखरे बिखरे से हेयर बनाऊंगी। सो मैंने इसमें 0 पॉइंट के ब्रश का यूज़ करा एंड उससे जो जो हेयर बाहर निकले हैं उनको मैं एक एक करके बना दूंगी। एंड इससे हेयर्स थोड़े मैसी मैसी सा हो जाएंगे जो कि होते हैं रियल में भी। सो लास्ट में मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, बट मैं वाइट भी प्योर नहीं ले रही हूँ, उसमें थोड़ा ब्राउन कलर का मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि प्योर वाइट लेंगे तो ऐसे लगेगा वाइट हेयर है। सो हमें हाइलाइट्स दिखानी है ना कि वाइट हेयर। सो इसलिए मैं उसमें थोड़ा ब्राउन कलर मिक्स करके कर रही हूँ। सो गाइज़ हमारे हेयर्स कंप्लीट हो गए एंड आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।